वाटर बॉडीज में कुछ तो ऐसा होता है जो कि आपको सोच में डाल देता है। नीचे क्या है, धंसा हुआ खजाना, लंबे समय से खोई हुई चीजें, या फिर शायद कोई ऐसी चीज जिसे कोई छुपाना चाहता हो। लेकिन देखिए, नॉर्मली तो कचरा ही मिलता है। लेकिन 2021 में इंग्लैंड लंदन में 191 साल पुराने हर्टफोर्ड यूनियन कैनल को 20 सालों पहली बार खाली किया गया। जैसे ही वॉलंटियर्स कचरा साफ करने लगे, वैसे ही उन्हें खजाना मिला अजीब खोई हुई चीजों का। तो पहन लीजिए अपने बूट्स और तैयार हो जाइए मिट्टी में गंदे होने के लिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि उनको वहां पर क्या मिला। और इसी के साथ देखेंगे और भी कुछ वाटर बॉडीज जहां से कुछ अजीब चीजें मिली। यार हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर नियाग्रा फॉल्स को बंद कर दें तो क्या होगा। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। आपको दुनिया भर के शहरों में नाले मिल जाएंगे। शुरू में इन्हें सामान इधर से उधर ले जाने के लिए यूज किया जाता था। हाँ, लेकिन ये खेती के लिए पानी भी देते थे और बाढ़ के समय में काफी मददगार साबित होते थे। आगे होने वाले एलिवेशन चेंजेस के लिए इनमें जगह जगह पर लॉक हुआ करता था। ये ऐसे चैम्बर हुआ करते थे जिन्हें काम करते रहने के लिए बस थोड़ी सी ग्रीस की जरूरत थी। लॉक सेक्शन में एक नाव को तैरा दिया जाता था और इसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता था। फिर आगे वाले दरवाजे का छोटा सा एरिया खोल दिया जाता था जिसकी वजह से लॉक के अंदर पानी आ पाता था। अगर जिस कैनाल एरिया की तरफ नाव जा रही है उसका पानी का लेवल ऊंचा है तो लॉक्स में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आने वाले सेक्शन के बराबर हो जाएगा। और अगर पानी का लेवल कम है तब तो क्या ही कहने, पानी धीरे से अगले सेक्शन में चला जाएगा और नाव भी अगले सेक्शन में चली जाएगी। जीनियस है ना। जहां पहले के समय में बहुत सारे शहर इन नालों पर कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिपेंड हुआ करते थे, वहीं आज ये पानी से ज्यादा तो कचरे से भरे हुए हैं। इलीगल डंपिंग और फ्लाई टिपिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इनका यूज सबूत छुपाने के लिए बहुत बार किया जाता है, क्योंकि यहां उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कचरे को इकट्ठा ना होने देने के लिए। और इसलिए कि वो कैनाल और नाव को नुकसान न पहुंचाएं, ज्यादातर नालों को समय समय पर साफ किया जाता है। और इसी वजह से हमने पहले बात की थी कि हर्टफोर्ड यूनियन कैनाल है, ये रुका हुआ सा पानी का नाला है जो कि ईस्ट लंदन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 2021 में लॉक्स को खोल दिया गया और पूरे कैनाल को 20 सालों में पहली बार अंदर की दीवारों को साफ करने के लिए खाली किया गया। जब रिपेयर हो ही रही थी तो वॉलंटियर्स को 2 टिकट में जमा हुआ कचरे की सफाई के लिए बुलाया गया। वहां पर कचरा था, टायर थे, जंग लगी हुई साइकिल और ट्रैफिक कोन्स भी थे और इलीगल स्टैंडर्ड सामान भी था जैसे यहाँ वहाँ फेंक दिया था। लेकिन एक वॉलंटियर निकोला व्हाइट को तो कुछ अजीब ही चीजें मिली, जैसे कि टूटी हुई एल्सा डॉल्स का सर जिसमें इयररिंग के लिए स्क्रू थे। क्या कोई एल्सा पर वोडू ट्राई कर रहा था? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन इसका मोटा काला आईलाइनर ये बताता है कि इसका मेकओवर किया गया है। और सिर्फ यही एक डॉल नहीं है जो कि नाली में मिली, क्योंकि एक और प्रिंसेस डॉल भी वहीं पर मिली जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसके बाल जगह जैसे गायब थे। अच्छा हुआ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और यहाँ पर किसी ने अपने दुश्मन पर टकले होने का काला जादू नहीं किया था। इस नाले को पहले भी साफ किया गया था लेकिन इतने अच्छे से सफाई नहीं की गई थी, मतलब कि 1830 के टाइम से आइटम्स इसी में ढूंढे जाने के इंतजार कर रहे थे। मॉडर्न खिलौनों के साथ ही विक्टोरियन एरा के आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जैसे कि ये इंकी डब्बी जो कि नए बॉल पेन की पूर्वज थी जिसमें इंक होती थी जिसमें लिखने वाले अपनी कलम डुबाकर लिखा करते थे। लेकिन ये इस नाले में कैसे आ गई ये अभी भी एक राज ही है। शायद कोई लेखक यहाँ नदी के किनारे पर बैठा हुआ, या फिर हो सकता है कि किसी विक्टोरियन लड़के ने इसे यहीं पर फेंक दिया हो जो कि उस दिन होमवर्क करके नहीं आना चाह रहा होगा। दूसरी कोई चीजें हैं ये विंटेज अंगूठी जिसमें अजीब सी नक्काशी है, क्या ये किसी दुखी लावर ने फेंक दी होगी, या फिर जब किसी ने पानी में तैरने के बारे में सोचा होगा तब ये उसके हाथ से फिसल गई होगी। आशा करता हूँ ये किसी की वेडिंग रिंग ना हो। लेकिन सिर्फ ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स ही नहीं थे जो इस नाले में मिले, क्योंकि निकोला को एक जबड़ा भी मिला जिसमें तेज धारदार दांत भी थे। अच्छी बात यह है कि इसका राज हमें पता है कि ये जबड़ा नॉर्दर्न पाइक फिश है। ये एक ऐसी कार्निवोरस फिश है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साफ पानी में रहती है। पाइक ब्रिटेन के नालों में आसानी से पाई जा सकती है, तो जो ब्रिटिशर्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपने पैर गर्मियों के दिन में नाले में डालने से पहले 100 बार सोचिएगा, नहीं तो आपके पैर के अंगूठे पाइक का नाश्ता बन सकते हैं भाई। लेकिन निकोला ने अपना समय सिर्फ नाला साफ करने में नहीं बताया, वो थेम्स नदी के पास भी मडलरकर है, लेकिन इसके नाम से ठीक उल्टा यहाँ पर वो मिट्टी नहीं लुटकाती है बल्कि वो मिट्टी को पुराने आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए खोती है। थेम्स यूके की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि इंग्लैंड के साउथ साइड में 215 मील तक फैली हुई है। नदी के आखिरी का 99 मील टाइडल है, क्योंकि नदी का मुंह नॉर्थ सी में मिलता है और टाइडल के इन्फ्लुएंस में ये आ सकती है। दिन में लहरें आ जाती हैं जिसकी वजह से मिट्टी भी धुल जाती है और किनारे में धंसे हुए भूले बिसरे आर्टिफैक्ट्स नजर आ जाते हैं। निकोला जैसे मिट्टी खोदने वाले तब नदी के किनारे जाते हैं जब लहरें नीचे होती हैं। वो खोए हुए आर्टिफैक्ट्स को वापस लहरों में बहने से पहले उठा लेते हैं। अब थेम्स नदी लंदन में तब से बह रही जब से ये मिली है, मतलब कि 2000 साल से भी ज्यादा पहले, और नदी में अभी भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि कुछ डेकेड्स या सेंचुरी पुराने हैं। बहुत डेंजरस आइटम्स जो कि निकोला को मिट्टी खोदते टाइम मिले उनमें से एक है ये बिना फटा हुआ हैंड ग्रेनेड, ये World War II का है और ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट शिप से गिर गया हो या फिर किसी सैनिक ने इसे गिरा दिया हो।
जो भी कहानियों पर खोज के बाद निकोला ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे कि ये फटे ना, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी भरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना था। आपको चाहे जो भी लगता हो, मगर उससे ठीक उल्टा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन डिवाइस को बंद नहीं करता है, बल्कि ये चार्ज देता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड के कंपोनेंट जैसे कि टाइमर, ट्रिगर और फटने वाला मटेरियल अपने नॉर्मल फटने के टाइम से पहले ही फट जाते हैं। अगर बम अभी भी एक्टिव हो तो इस केस में बम अवे। लेकिन इससे भी पहले 2017 में निकोला को नदी के किनारे एक ही जगह पर कुछ हफ्तों तक मोड़े हुए सॉक्स रोज ही मिलने लगे। लेकिन ये मोजे किसी के जिम बैग से बाहर नहीं गिर रहे थे, बल्कि इनको जानबूझकर फेंका गया था। इन बैग्स के अंदर थे गहने, शायद चोरी किए हुए। ऐसा मालूम पड़ता है कि गहने तब चोरों ने फेंक दिए होंगे जब पता चला होगा कि इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये हमेशा मोजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि कई बार तो असल में पूरा बैग हुआ करता था, जो कि घड़ी, माला, कान के झुमके और यहाँ तक कि चाय के बर्तन और कटलरी से भरे होते थे। निकोला ने खोजी गई चीजें पुलिस के हवाले कर दी, जो कि इनके असली मालिक को ढूंढने से काम में लग गई, और वो एक बार इसमें सक्सेसफुल भी हो गए। इसकी वजह से मिट्टी खोदने वालों की कम्युनिटी का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन ये खोए हुए गहने भी निकोला की उस खोज के सामने कुछ भी नहीं है, जहां पर उन्हें एक जबड़ा मिला जिसमें एक ही दांत बचा हुआ था, और ये इंसान का था। आखिर कितने समय से आदमी इन मछलियों के पास सो रहा था भाई, और ये कभी डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं गया? हो सकता है कि दांतों की सफाई उस समय पर ज्यादा पॉपुलर ना रही हो, क्योंकि रेडियो कार्बन एनालिसिस के हिसाब से ये हड्डी 1650 से 1900 के बीच की है, तो मतलब कि यह हाल ही का विक्टिम नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि बेचारे के साथ हुआ तो बहुत बुरा। विक्टोरियन एरा में थेम्स नदी का साउथ किनारा जैकब आइलैंड के पास था। ये एक बहुत ही खराब स्लम था जिसका क्राइम रेट बहुत ज्यादा था, तो हो सकता है कि ये जबड़ा 100 साल पहले की किसी विक्टिम का हो, जिसके शरीर को ये सबूत मिटाने के लिए उसको नदी में डाल दिया गया। थेम्स को पहले के ही टाइम में बॉडीज को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, और निकोला खुद भी ये बता सकती है कि उन्हें एक 1700 का कंकाल वहां से मिला। यार मिट्टी खोदना वाकई में कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन निकोला ही सिर्फ एक ऐसी मर्डलर का नहीं है जो कि थेम्स नदी को खजानों से कनेक्ट करके देखती हैं। साइंस फिक्शन चैनल का साइमन और उसके दोस्त जूल्स को भी कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे कि विक्टोरियन एज के टूथपेस्ट के जार का डब्बा। जब बात आती है दांतों की सफाई की, तो वाकई मानना पड़ेगा कि विक्टोरियंस के पास बहुत ही अजीब आइडिया थे, क्योंकि वो ज्यादातर कोस्टल सोप का यूज करते थे जिसमें ऑलिव ऑयल एक बेस होता है, और दांत सफेद करने के लिए वो चारकोल को शहद में मिलाकर लगाया करते थे, जो कि माना इनके दांत सफेद कर देता था, लेकिन इनके मसूड़े इसकी वजह से सूज जाते थे। मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि अब कोलगेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मिली हुई चीज की ऐसी ही हिस्ट्री हो। जीउस ने मिट्टी से कुछ फोन निकाले, साथ ही टेबलेट्स भी। थेम्स के ऊपर ब्रिज है, इसीलिए लोग यहाँ पर फोटो लेने के लिए रुक जाते हैं, और यहीं उनकी ग्रिप कमजोर पड़ जाती है और उनकी डिवाइस पानी में गायब हो जाती है। और ये आपको जितना लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बार होता है, क्योंकि सिर्फ इसी दिन में साइमन और जीउस को अलग अलग एरा के साथ फोन मिले थे। तो अगर आप लंदन आ रहे हो तो ब्रिज के ऊपर ली जाने वाली सेल्फी के टाइम पर अपने फोन का ख्याल रखिएगा। एक और चीज जो लंदन के मडलार्कर्स को बहुत बार मिलती है, वो है मिट्टी के पाइप। ये नदी में हजारों की तादाद में मिट्टी के पाइप 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पर सिगरेट की तरह यूज किए जाते थे। ज्यादातर इन्हें तंबाकू से भरा हुआ ही खरीदा जाता था, और इसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता था, जिसके कारण से ही थेम्स इस चीज से भरी हुई है, जिसे उस जमाने के तैराक वहां पर फेंक दिया करते होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप अपने बोट्स पहने खजाना ढूंढने निकले, बात को जान लीजिए कि मडलार्कर्स को एक परमिट की जरूरत होती है। ये एक खास तरीके का लाइसेंस होता है जिसमें किनारों को 2.9 इंच तक की गहराई तक खोदने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते, है ना? माना कि ये गहराई बहुत कम लग रही होगी, लेकिन ज्यादातर कूल खजाने किनारे की रेत की इतनी ही गहराई में मिल जाते हैं, जैसे कि साइमन और जूल्स को मिली ये सिल्वर बॉल। उन्हें लगा कि ये मार्बल से बनी होगी, लेकिन थोड़ी देर इंटरनेट पर ढूंढने के बाद इन्हें पता चला कि ये सेलेनाइट बॉल हो सकती है। इस साइज की पॉलिश्ड सेलेनाइट बॉल्स को क्रिस्टल लवर्स यूज करते थे। रुकिए, मुझे सोचने दीजिए। धरती और चांद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, अरे नहीं, अपने चक्र साफ करने के लिए। हो सकता है जिसकी ये बॉल होगी उस बाबा ने इसे नदी में ये सोचकर फेंक दिया हुआ कि ये सारा के सारा पॉल्यूशन खत्म कर दी। ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने अपना फ्यूचर क्रिस्टल बॉल में देखा हो और उसे वो फ्यूचर पसंद ना आयो। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और नहीं, ये लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई निकोला, साइमन और जूल्स को देखने के बाद कोई और मड लॉकिंग करने के बारे में सोच रहा है? ये तो एक ऐसा अरमान है जो कि जागी रहा है, जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी हमारा खोजना बंद नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में खाली किए गए नाले और सूखी हुई वाटर बॉडीज ने कुछ गजब की खोज करवाई है। तो आइए डूब चलते हैं। रूट कैनाल पूरे यूके में करीब 4700 मील के
नेविगेबल कैनल्स हैं, जिनमें से इंग्लैंड के साउथ में 2700 मील का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपनी नाव से लंदन से लिवरपूल तक का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाव ही नहीं थी जो कि इनका यूज किया करती थी, कार भी नाले में डूबी हुई मिल सकती है। 2016 में सिर्फ गैलोकेस्टर और शार्पनेस कैनाल से 3 कार निकाली गई। कार में पूरी तरीके से जंग लग चुकी थी, जो कि वहां पर अगर कई सदियों से तो नहीं, कम से कम कुछ सालों से तो थी ही। आपको कार को रिवर्स करते हुए कैनाल में गिरा देने के लिए बहुत ज्यादा खराब होना पड़ेगा भाई। अब यूके में जो चैरिटी इन कार को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है, वो है कैनाल एंड रिवर ट्रस्ट। वो सालाना यूके कैनाल सिस्टम से कचरा निकालने के लिए $1.2 मिलियन खर्च करते हैं, और इन्होंने अपना काम गजब का किया है। एक टेनिस कोर्ट की जगह के बराबर जगह में कम से कम एक साइकिल है, एक शॉपिंग ट्रॉली, एक ट्रैफिक कोन, 67 कांच की बोतलें, 4 टायर, 150 प्लास्टिक बैग और 23 कैन थे। ये तो बहुत सारा कचरा है। किसी तरह का नेशनल हॉलीडे लग रहा होगा, जिसमें ब्रिटिशर्स शॉपिंग कार्ट को कैनाल में डाल देते होंगे, क्योंकि सिर्फ शेफील्ड लॉक में ही 24 शॉपिंग कार्ट मिली थी। लेकिन सिर्फ यही एक पॉपुलर चीज नहीं है जो कि कैनाल में फेंकी गई। शेल्फ को भी बहुत बार मिट्टी से बाहर निकाला गया है, जहां पर रिवर ली में 2015 में ही 14 खुले हुए शेल्फ मिले थे। ये चोरों के द्वारा फॉलो किया जाने वाला तरीका है, जिसमें वो चोरी करने के बाद उसका सामान निकालने के बाद चुराए हुए शेल्फ कैनाल में डाल देते हैं, जिससे कि उनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाए। चलो कम से कम इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है। लेकिन जो बाकी चीजें कैनाल में फेंकी गई हैं, उनके फेंके जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। जैसे कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पिज्जा डिलीवरी मोपेड, वो भी गीले पिचपिचे पिज्जा, उससे भरे हुए रीजन कैनाल के नीचे मिले। क्या डिलीवरी वाले भैया को गलत बता दिया गया था, या फिर गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो तैर कर निकल गए लेकिन अपना बेशकीमती पेपरोनी कार्गो पीछे भूल गए। जो चीज हम पक्के तौर से जानते हैं वो यही है कि उस रात कोई तो भूखा सोया था। अब अपने प्यारे पिज्जा को नाले में खो जाने का आइडिया तो हमारी रूह कपा देता, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अपना पेट नाले में खोने से तो आपकी रूह फड़फड़ा कर उड़ जाएगी। इस स्केल वाले तैराक को देखकर लगता है कि जैसे इसके मालिक ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया। नहीं, ये कोई जोक नहीं है। एक 16 फीट के पायथन को लिवरपूल एंड लीड्स कैनाल में मरा हुआ पाया गया। ये बड़े सांप करीब 23 फीट तक बढ़ सकते हैं, और इन्हें हर कुछ दिनों में 3 चूहों या किसी बड़े खरगोश की दावत चाहिए होती है, जिससे कि ये भूखे ना रहे। लेकिन इस केस में देखकर लगता है कि इसका मालिक इसका ख्याल रख रख कर परेशान हो गया होगा और इसे खुद ही खाना ढूंढने के लिए जंगल में छोड़ दिया होगा। लेकिन ये सांप यूके के सब अर्बन्स में ज्यादा दिन नहीं रह पाया, क्योंकि ये नेटिव है साउथ एशिया के गर्म मौसम के, तो इसीलिए सांस लेने की बीमारी की वजह से मर गया होगा। लेकिन क्लीन बोल्ड होने से पहले इस सांप ने कैनाल में तैरने का सोचा होगा, जो कि इसकी पानी की कब्र बन गया। जो भी हो, अपने बड़े पाइथन पेट से जान छुड़ाने का ये तरीका बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, और ट्रेंड भी बन गया, क्योंकि 10 फीट का सांप हान कॉस के कैनाल में सड़ता हुआ मिला। वहीं और भी बड़ा 18 फीट का एल्बिनो पाइथन एलेसटन के ग्रैंड यूनियन कैनाल में मरा हुआ मिला, और मुझे उस कैनाल को साफ करने वाले आदमी से मिलकर बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, जिसे ये सब फैलारा समेटना पड़ेगा। कैनाल सा बोट अर्स, पेरिस फ्रांस का दिल और फेमस कैनाल सेंट मार्टिन का घर। ये बहुत ही सुंदर कैनाल 2.8 मीटर तक का है और पेरिस के ट्रेंडी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। लेकिन हर 10 से 15 साल में कैनाल को खाली कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें फेंकी हुई अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ते हैं। जब कैनाल को 2016 में खाली किया गया था, तो करीब 100 वेलिब बाइक्स इस मिट्टी में से निकाली गई थी। वेलिब एक शेयरिंग साइकिल सिस्टम होता है, जिसमें लोग साइकिल किराए पर लेकर शहर में उस दिन घुमा सकते हैं और फिर वापस वेलिब बाइक रैक में रख सकते हैं। लेकिन इनमें से कई बाइक चोरी हो जाती थी, बाइक रैक से अलग कर दी जाती थी और काम होने के बाद कैनल में फेंक दी जाती थी। लेकिन सिर्फ बाइक ही नहीं थी जो कि पेरिस के लोगों ने नाले में फेंकी थी। जो और चीजें पेरिस के कैनाल में मिली वो थी शॉपिंग कार्ट, पुराना रोड रोलर, कुछ स्कूटर और मोपेड्स, और तो और व्हील चेयर भी। तो मतलब कि कोई भी चीज हो सकती है जो कि व्हील चेयर पर होगी, जिसमें दादी भी आती है। और देखते हैं कि बाकी सामान में गद्दा, एक टॉयलेट, एक बाथटब और एक वॉशिंग मशीन भी मिली। आप कैनाल में मिली हुई चीजों से पूरा का पूरा एक अपार्टमेंट तैयार कर सकते हैं भाई। वहीं न्यूजीलैंड में तो उन्हें कैनाल के अंदर तो भाले और तलवारें भी मिल रही, और ये पुरानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पिक्चर के प्रॉप्स नहीं है जो कि वहां पर शूट हुई थी, बल्कि ये वास्तव में पुराने कीमती आर्टिफैक्ट्स थे, जिसे शायद किसी प्राइवेट कलेक्टर से चुरा लिया गया था। ये तब मिले जब 2013 में टेकपो कैनाल को खाली किया गया था, जहां पर काम करने वालों को पिस्तौल मिली, शॉटगन मिली और एक कैलिबर स्टाइल का स्वॉर्ड भी मिला, और साथ ही साथ 2 और स्वॉर्ड्स भी मिले। इन हथियारों की लूट को जंग खा गई, क्योंकि ये इस कैनाल में कम से कम कई सालों से थे भाई। लेकिन कलेक्टर कभी भी इनकी मांग करने सामने नहीं आया, इसलिए इनका कैनाल में होना एक गहरा राज बनकर रह गया। अपोजिट अट्रैक्ट, अगर आप किसी भूखे इंसान को एक मछली देंगे तो आप उसका पेट एक दिन के लिए भर देंगे। अगर आप मछली को
पकड़ना सिखा देंगे तो आप उसे जिंदगी भर के लिए खाना खिला सकते हैं। और अगर आप किसी इंसान को मैग्नेटिक फिशिंग रॉड दें तो चांस है कि वो एक हथियार ढूंढ ले और जितनी चाहे उतनी मछलियां ले ले। जी हाँ, मैग्नेटिक फिशिंग एक हॉबी है जहां पर एक चुंबक को फिशिंग लाइन के लास्ट में लगा दिया जाता है और फिर वाटर बॉडीज के अंदर से सामान निकालने के लिए यूज किया जाता है। जो चुंबक यूज की जाती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि इससे तो पुरानी साइकिल, जंग लगे टूल्स और चौंकाने वाली बात है, लेकिन बंदूक भी मिल सकती है। निगेल लैम्फोर्ड यूके के रॉयल यूनियन कैनाल में मैग्नेटिक फिक्सिंग कर रहा था और जब उसकी लाइन में कुछ आकर फंस गया और उसके बाद तो उसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बंदूकों का खजाना मिला। लेकिन ये तो पहाड़ की सिर्फ चोटी थी क्योंकि निगेल ने तो कैनाल से 61 बंदूकें निकाली थी। ये बहुत ही अजीब खोज थी क्योंकि यूके के बंदूक वाले लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से जो भी गन रखता है वो इलीगल ही होते हैं। ये बंदूक असल में वर्ल्ड वॉर 2 की है, मतलब करीब 70 साल पुरानी। स्टेन सब मशीन ब्रिटिश फोर्सेज के द्वारा यूज की जा रही वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत ही पॉपुलर गन थी। इसकी करीब 2 मिलियन कॉपी बनी थी। तो ये 6 वहां पर पहुंची कैसे? यूनियन कैनाल रॉयल ऑर्डिनेंस डिपो से होकर जाता है, जो कि एक स्टोरेज फैसिलिटी है और 1802 से एक्टिव है। हो सकता है जब वर्ल्ड वॉर में इसे इस जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा होगा तभी गिर गई होगी, लेकिन ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 की ही चीजें नहीं थी। मई 2022 में दूसरे मैग्नेटिक फिशर ने बनबरी के ऑक्सफोर्ड कैनाल से ग्रेनेड ढूंढ निकाला। एक बम स्क्वाड ने उस ग्रेनेड को एक स्पेशल बॉक्स में डाला, उसे दूर सेफ जगह पर रख दिया। ग्रेनेड मिलना तो खुद में बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन ब्रिटेन के मैग्नेट फिशर को कैनल्स में और भी खतरनाक हथियार मिले। ओजी मैग 10 सब मशीन गन को चाकू और बुलेट मैगजीन के साथ लंदन के कैनाल से निकाला गया। चिंता की बात यह है कि गन एक बार में 600 राउंड एक मिनट में फायर कर सकती है और इजरायली आर्मी के द्वारा बहुत यूज की जाती है। हाँ, लेकिन ये मॉडल लंदन के गैंग में इलीगली सर्कुलेट होता है, लेकिन क्योंकि पुलिस हमेशा इन्हें ट्रेस करने की कोशिश करती रहती है, इसी वजह से इस बात को कोई सुन के धक्का खा सकता है कि इन्हें कैनल में फेंका गया था। मैग्नेटिक फिशिंग नीचे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जवान मैग्नेट फिशर एडम जी 65 फीट की रस्सी की रॉड को यूज करते हैं जिससे कि वो ब्रिस्बेन नदी की गहराइयों में फिशिंग कर सकें, जो कि खुद 49 फीट गहरी है। उसकी चुंबक में 254 पाउंड का पुल फोर्स था जिससे कि ये नदी से आसानी से स्ट्रीट साइन, शॉपिंग कार्ट और पुराने टायर को भी खींच सकती थी। लेकिन एडम की सबसे चौंकाने वाली खोज थी ये चेस्ट, जो कि ऐसी दिखती थी जैसे ये पायरेट बूटी से भरी हुई होगी। जी हाँ, ये बूटी से भरी हुई थी, लेकिन सिर्फ पायरेट वाली से नहीं बल्कि गंदी मैगजीन टाइप से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन आखिर कौन अपनी काली करतूते ट्रंक में डालकर कैनाल में छुपाता है? क्या उन्होंने इंटरनेट के बारे में नहीं सुना? वहीं फिनलैंड, जो कि इंग्लैंड के गांव साइड वाले एरिया में है, वहां की नदियों में वहां पर मैग्नेटिक फिशर्स ने बताया कि उन्हें गहराइयों में सालों के क्रिमिनल राज मिले। उन्होंने हर एक सोच सकने वाले हथियार यहां से निकाले, चाकू, हैंडगन, गोलियां, बड़े चाकू, हथौड़े, नकल डस्टर और तो और स्टील की कुल्हाड़ी भी, जिससे जब मिट्टी को साफ किया गया तो लगा कि जैसे ये अभी भी पर्याप्त नुकसान हो सकता है। आखिर फिनलैंड में हो क्या रहा भाई? क्या वहां पर जंगलराज चल रहा है या फिर कोई छट्टी गैंग बन रहा है? लेकिन इतने सारे सवाल ना पूछने में भलाई मेरे भाई। सूखे के लिए रोना। मोसुल डैम एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। उसकी हाइट इराक से भी 371 फीट ऊपर है। ये देश का सबसे बड़ा डैम है और देश की पानी की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। और तो और, जब 2019 में कंट्री में सूखा पड़ा तो पानी का लेवल इस लेवल तक गिर गया कि जितना पहले कभी नहीं हुआ था, और तब खेत भी सूख गए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इस डैम लेक के नीचे से कुछ अजीब सी चीजें सामने आने लगी। करीब 3400 साल पुराने किले की दीवारें, आर्कियोलॉजिस्ट उस जगह तुरंत पहुंचे और ब्रॉन्ज एज की डिस्कवरी की खोज करने लगे। इससे पहले कि डैम फिर से भर जाए, उन्होंने ईंटों की दीवारें खोजी जिनकी मोटाई 61x2 फीट थी और ऊंचाई 6 फीट। और तो और, लाल और नीले रंग की पेंटिंग्स भी थी। ये किला पुराने मिटानी एम्पायर का था। यह ऐसा एम्पायर था जो कि 1550 से 1350 बीसी के बीच में था और एंशियंट नियर ईस्ट में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला एम्पायर था और ये एग्जिस्ट करता था 3000 साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट को 5 सिरेमिक वेसल्स भी मिले जिनमें 100 से भी ज्यादा टेबलेट्स बनी हुई थी जिनमें एंशियंट स्क्रिप्ट थी। इसकी मदद से हम मिटानी एम्पायर के कई राज खोल सकते हैं, जैसे कि उनका मनी, ट्रेड और रिलीजन सिस्टम। अब इस सिटी के डूबने का कारण था अर्थक्वेक, जो कि इस एरिया में 1350 में आया था। मगर अर्थक्वेक की एक अच्छी बात यह रही कि दीवारों के ऊपर के पार्ट ने बिल्डिंग्स को ज्यादातर गाड़ दिया, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व हो गई और बाद में उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ सके। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की पार्टी जल्दी खत्म हो गई जब डैम फिर से भर गया। लेकिन हो सकता है कि आखिरी बार नहीं हो, हम इस सिटी को देख रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसकी वजह से सूखा पड़ना बहुत ही आम हो चुका है। कैसे पता क्या हो, जब पानी सूख जाएगा तो नीचे से क्या निकल आए?
लूज चेंज। नियाग्रा फॉल्स बेशक नॉर्थ अमेरिका का सबसे खूबसूरत नजारा, ये नजारा तीन अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल व्हील फॉल्स और कैनेडियन फॉल्स, इन झरनों में हर सेकंड 7 लाख गैलन पानी बहता है और इसे दुनिया का सबसे तेज गिरने वाला झरना माना जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर पानी को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? वेल, यूएस के आर्मी कॉर्पोरेशन ऑफ इंजीनियर्स ने 1969 में डिसाइड किया कि वो ये ट्राई करेंगे। नहीं, नियाग्रा फॉल्स में बड़ा सा प्लग होल लगाकर नहीं, बल्कि जून 1969 में 3 दिन में 1200 ट्रक्स ने 28,000 टन मिट्टी गागर को फेरडम में भर दिया। एक ऐसा एनक्लोजर जो कि वाटर बॉडी में ही बना होता है। पानी के बहाव के ऊपर इस मिट्टी गागर की जमावड़े ने फिर नियाग्रा फॉल्स के पानी का रुख अमेरिकन फॉल्स से दूर मोड़ दिया, जिससे ये कैनेडियन फॉल की तरफ ज्यादा गिरने लगा। लेकिन वहीं अमेरिकन फॉल का बहाव एक पतली सी धार से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया। इस ड्रेनेज का कारण यह था कि इंजीनियर को चिंता थी कि पानी के नीचे पत्थर हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। तो जब पानी चला गया और साइंटिस्ट तैयार हो गए, अपने बूट्स लेकर और जो कुछ भी उन्हें मिला उसे देखकर वो चौंक गए। पथरीली पेंदी पर 2 लाशें, जो कि वाकई में बहुत कम थी, क्योंकि झरना वाकई इस चीज के लिए बदनाम था कि वहां पर बहुत एक्सीडेंटल डेथ हुई थी और कईयों ने खुद की जान भी ली थी। ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस हैं कि पानी के तेज बहाव की वजह से बाकी लाशें दूर चली गई हों, और मैं जानता हूँ इसकी वजह से साइंटिस्ट को बहुत राहत मिली होगी। वहीं यहाँ पर करोड़ों करोड़ों सिक्के भी मिले थे जो कि उन लोगों ने यहाँ फेंके थे जो कि यहाँ पर आकर विश मांगते हैं। सिक्के और लाशों को वहां से हटा दिया गया और नवंबर 1969 में उस कोफेरडम को हटा दिया गया और अमेरिकन फॉल फिर से दहाड़ने लगा। अब बातें फिर से शुरू हो गई हैं कि झरने को बंद किया जाए और ब्रिज झरने से होकर जाते हैं, उन्हें रिपेयर किया जाए। मैं सोच रहा हूँ उन्हें नीचे क्या मिलेगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सेल्फी लेने के बाद हजारों गिरे हुए आईफोन यहाँ पर मिल सकते हैं। आपके हिसाब से क्या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज थी और क्या आपको किसी वाटर बॉडी के नीचे कभी कुछ मिला है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।